नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का न्यूज़पेपर जब आपने पढ़ा उसमें आपने देखा होगा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, जिसको नाम दिया गया है अपार आईडी। ये जो अपार आईडी है ये भारत सरकार की एक योजना है जिसमें नवीन शिक्षा नीति के तहत ये पायलट प्रोजेक्ट पर संपूर्ण भारतवर्ष में लागू की जानी है। इसके तहत आपको ये जानना जरूरी है कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और आपके क्या क्या फायदे हैं इस योजना में। जो भी बच्चा स्कूली शिक्षा कर रहा है कक्षा 1 से लेकर 12 तक, उन बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये अपार आईडी क्या है और इसमें आप कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अपन देखते हैं इसी वीडियो में। चलो देखते हैं। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो है, जिसका नाम रखा गया है अपार आईडी। देखो, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत राजस्थान में स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से काम शुरू कर दिया गया है और इस काम में इस योजना के तहत विभाग यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से बच्चों का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी तैयार करेगा। इसका मतलब ये हुआ, आपसे पूछा जाए कि अपार की फुल फॉर्म क्या होती है तो आपको बताना है। अपार की जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है। क्या बतानी है? कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आपको याद भी रखना है, ये जो आपकी अपार आईडी होगी ये आधार कार्ड से लिंक होगी। किससे लिंक होगी? आधार कार्ड से, जो कि आपकी 12 अंकों की होगी। देखो, इसमें लिखा है जिसमें भारत सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के लिए 12 अंकों का एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। और ये जो यूनिक नंबर होगा ये आपका संपूर्ण कच्चा चिट्ठा जो है वो उस आईडी के अंदर आपकी डिटेल रहने वाली है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों की। इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और ये क्यों जरूरी है, ये सारी बातें अपन देखते हैं। और ये है आज की अपनी न्यूज जिसमें क्या लिखा गया है। देखो कि 1.70 करोड़ बच्चों की बनेगी अपार आईडी, एक क्लिक पर मिलेगा कंप्लीट कुंडली। हमारे जो कक्षा 1 से 12 तक के करीब 1.70 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं का शैक्षणिक ब्यौरा अब एक क्लिक में मिल सकेगा। साफ साफ लिखा है क्यों मिल सकेगा। इसके लिए बच्चों की अपार आईडी के माध्यम से शैक्षणिक कुंडली बनाई जा रही है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत राजस्थान में स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से काम शुरू कर दिया गया है। परिषद की ओर से जल्द ही पोर्टल बनाया जा रहा है। इसके तहत नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत विभाग यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से बच्चों का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी तैयार करेगा। इससे बच्चों के शैक्षणिक सहित सभी तरह का विवरण दर्ज किए जा सकेंगे। यानी कि जितनी भी आपकी डिटेल है, आप कैसा आचरण करते हैं स्कूल में, आप शिक्षकों का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, आपका रिजल्ट कैसा रहता है, आपने कौन कौन सी विद्यालयों से आपकी शिक्षा पूर्ण की है, आपने कौन कौन सी विद्यालयों में कैसा आपका जो एकेडमिक रिजल्ट रहा है, वो सारी बातें जो हैं वो इसमें दर्ज होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फायदा क्या होगा कि इससे फर्जी मार्कशीट का पता चलेगा कि परमानेंट एजुकेशन नंबर के आधार पर तैयार इस आईडी को आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। सीधी सी बात है, आधार कार्ड से। इसकी सहायता से भविष्य में सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं की शैक्षिक प्रगति की ट्रैकिंग की जा सकेगी। अपार आईडी के माध्यम से रोजगार व अन्य नौकरियों में आसानी होगी। इस आईडी के माध्यम से वह छात्रों से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी आसानी से देखी जा सकेंगी। इसमें अलग से सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व का आकलन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। वहीं फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी हासिल करना आसान नहीं रह जाएगा, जैसे कि वर्तमान में एसआई वगैरह, पीटीआई वगैरह ये जो बन रहे हैं। और राजस्थान तो एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसमें फर्जी डॉक्टर भी बन रहे हैं। 12वीं पास को एमबीबीएस की डिग्री दी जा रही है, तो वो सारी बातें इसमें नहीं हो पाएंगी। दूसरा, ये क्या फायदा क्या रहने वाला है अपार आईडी से? आपका पाठ्यक्रम क्या है, आपकी अंक तालिका, आपके प्रमाण पत्र, जो भी आपकी उपलब्धियां वो सारी शामिल होंगी। और आईडी को डिजी लॉकर से संबंधित कर विद्यार्थी की समस्त उपलब्धियां एक जगह प्राप्त होंगी। विद्यार्थी कहीं से भी अपने दस्तावेज जो है उनको प्राप्त कर सकता है और उनका एक क्रेडिट बैंक बनेगा जिसमें उसकी संपूर्ण कक्षा 1 से लेकर 12 तक की संपूर्ण जानकारी जो है उस अपार आईडी के अंदर रहने वाली। बाकी जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसने अपार आईडी के ऊपर एक पीडीएफ जारी किया 17 पेज का। उसको अपन ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनाने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है। सीधी सी बात है, दो ही बातें समझनी है। जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों की अपार आईडी बनेगी जो आधार कार्ड से लिंक होगी, और सभी विद्यालयों की बनेगी, सभी, चाहे वो निजी हो, चाहे वो सरकारी हो,
चाहे वो बहुत अच्छे संस्थान हो, जो बड़े स्कूल हैं, चाहे वो दो कमरों का स्कूल हो, सबकी बनने वाली है, कोई डाउट नहीं है। और सभी जो जानकारी हो वो गोपनीय रहेंगी, डाटा सुरक्षित रहेगा। और इसके अलावा भविष्य में आपको किसी भी कार्यालय में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। तो ये जानकारी आपकी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नई न्यूज के साथ। जय हिंद मित्रों।